पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज शक्ति नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शक्ति शहर में केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की रैली नगर पालिका से शुरू हुई और तहसील कार्यालय में समाप्त हुई। रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दाम भी जल्द से जल्द कम करने का नारा लगाते रहे। इस रैली में जिले से और शक्ति विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारी संख्या में नगरवासी भी शामिल हुए। डीएनएक्स टीवी के लिए शक्ति से रोशन साहू की रिपोर्ट। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम का रेट बहुत नीचे आ गया है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से रेट कम आया है तो उल्टा ये रेट को बढ़ाया जा रही है। बेहिसाब पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ाया जा रही है और इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ है कि डीजल का रेट पेट्रोल के रेट से ज़्यादा हो गया है। जबकि हमेशा एक सरकार की नीति रही है कांग्रेस की कि किसान को, गरीब वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, ट्रांसपोर्ट वर्ग को राहत देने के लिए डीजल का रेट कम किया जाता था और जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर हैं, इनको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, इनमें पेट्रोल का रेट ज़्यादा लिया जाता था। इन्होंने बड़े लोगों को सुविधाएँ देने के लिए पेट्रोल का रेट गिरा दिया है और गरीब तबके किसानों को, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को सुविधा ना देके परेशान करने के लिए इनका रेट बढ़ा दिया है डीजल का। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी शक्ति और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी शक्ति के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार, नरेंद्र मोदी जी के सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के कीमत में लगातार बेतहाशा वृद्धि किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमारे सभी कांग्रेस जन, कांग्रेस के पदाधिकारीगण यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो डीजल और पेट्रोल का कीमत है उसको जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल का कीमत बहुत ही कम हो गया है उसके आधार पर यहाँ पर कीमत को वृद्धि न करके कम किया जाए, क्योंकि पूरा देश कोविड-19 के महामारी से गुजर रहा है। उद्योग व्यापार पूरा लगभग ठप हो गया है, कोई काम धाम चल नहीं रहा है, जिसके कारण गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग का जीवन जीना बहुत दुर्भर हो गया है और इसलिए पेट्रोल डीजल का कीमत कम करना ही चाहिए। आप सभी जान रहे हैं कि 2014 में जब कांग्रेस यूपीए सरकार में थी, उस समय जो उत्पाद शुल्क है, भारत का उत्पाद शुल्क लगभग पेट्रोल में 3.20 रुपये हुआ करता था और कीमत बहुत ही कम था। अभी जबकि उससे कम होना चाहिए क्योंकि कच्चा तेल का दाम कम है, लेकिन अभी लगभग 26 रुपया से भी ऊपर उत्पाद शुल्क जो नरेंद्र मोदी के सरकार है वो किया है। उसी प्रकार जब डीजल में लगभग 4.5 रुपया उत्पाद शुल्क था पूर्व में, लेकिन अभी 28 रुपया लगभग उत्पाद शुल्क भारत का जो नरेंद्र मोदी है वो लगाए हैं। इस प्रकार से गरीब और मध्यम वर्ग के जेब में डाका डाल रहे नरेंद्र मोदी का सरकार, और जिसको पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहा है और कीमत को कम करना ही होगा, ऐसा हम सब मांग कर रहे हैं।